ये बातें टेलीविजन को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान कही। कंगना रनौत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक कम पढ़ी लिखी एक्ट्रेस क्या बोल रही है, इसे जानने में किसी को कोई रुचि नहीं। कंगना ने उनके आरोपों पर कहा कि महान कलाकार की गालियां भी प्रसाद की तरह होती हैं। कंगना का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि एक कम पढ़ी लिखी एक्ट्रेस जिसने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए इसे खुद से जोड़ लिया है, उसके विचार जानने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। अगर इस मामले में न्याय किए जाने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि हमें कानूनी प्रक्रिया में भरोसा रखने की आवश्यकता है, और अगर इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। नसीर की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दो ट्वीट करते हुए उन्हें जवाब दिया। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नसीर जी आपका धन्यवाद, जो आपने मेरे सभी अवार्ड्स और उपलब्धियों को नेपोटिज्म के पैमाने पर माप दिया, जो कि मेरी समकालीनों में से किसी के पास नहीं है। मुझे इसकी आदत है, लेकिन क्या आप मुझसे ये सब कहेंगे अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती? जी हाँ, आपको बता दें, नसीरुद्दीन शाह ने बिना नाम लिए कंगना को कम पढ़ा लिखा बताया। एक्ट्रेस का जवाब, इतने महान कलाकार की तो गालियां भी प्रसाद की तरह होती हैं। ये कहकर कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।